हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग करने वाले हैं स्ट्रीट फूड जायका की साफ सफाई बोल सकते हैं, रिनोवेशन बोल सकते हैं, या फिर कलर मारना बोल सकते हैं। अभी इन लोग की जबान में हो गया, मेरे जबान में रमजान के लिए घर की साफ सफाई। हाँ, मेरी मैं बोलूँ तो हम लोग दे रहे स्ट्रीट फूड जायका को वापस नया लुक। हाँ। तो आप भी अपने तरफ से बताना कि भाई आज क्या होने वाला है, किस चीज का ये वीडियो आप लोगों को मिल रहा है ना भाई। तो भाई सबसे पहला हम क्या करेंगे, जाएंगे पहले फोड़ा फाड़ी करेंगे सब सामान निकालेंगे। क्या प्लान है, मैं ऐसे रैंडमली बता दूं, कलर होगा, थर्माकोल साफ सफाई होगा, सारे बर्तन धुलेंगे, जिसमें से थोड़ी बहुत मैं भी मदद कर दूंगा। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारा करना पड़ेगा, खाने को बहुत सारी हेल्प करता ना मेरी, वो तो काम है ना थर्माकोल वाला है बाबा। तो चलो ठीक है, सबसे पहला तो एक काम कर, ये बटन निकाल अच्छे से। मेन चीज हाँ, अपना गोल्ड और सिल्वर बटन को अपने को अच्छे से रखने का है, संभाल। हाँ, तो यहाँ से स्टैंड निकल चुका है, स्टैंड का पूरा सामान यहाँ पर है, ये स्टैंड भी निकलेगा, प्लस ये जितना अभी आइटम है ना सब निकलेगा। वहाँ पर मेरा पलंग रखा हुआ है, इसको हिलाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको ऐसे रखेंगे, बाकी सब हटाएंगे। ये पलंग ऐसे, ये थर्माकोल पूरा निकालने का अपने को। हाँ, और जो पीछे की थैली है ना, हाँ, वो सामान निकालना है, क्योंकि भाई वहाँ चढ़ के वहाँ पे भी कलर मार देंगे। हाँ, उधर का भी होने वाला है। हाँ। और ये दीवार पे ना एक पैटर्न आने वाला है, पैटर्न रियाज ने बताया भाई को, भाई बोले डन कर देंगे। ये अपने भाई बाजू में रहते हैं, खास बंदे अपने, ज्यादातर अपन कलर का काम इनको देते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर नया लुक आने वाला है भाई। तो यहाँ पर जब तक ये कलर का काम और रियाज भाई क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ थर्माकोल निकालना शुरू कर दूँ। हाँ, क्या बोलते हैं कि ऊपर सोने हैं तो जरा संभाल के निकालना सोना। अच्छा, सोना चांदी चमनप्रा से काले काले ने आप लोग की पूरी जायदाद पूरी प्रॉपर्टी हमने ये थर्माकोल के ऊपर रखी, जो कि आज आप लोगों को देखने मिलेगा। सोने के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हमने रखे। हाँ, तो मैं आपको केजीएफ चाहता हूँ कि आप लोग भी देखे, कोयला गोल्ड फाइट है ये कोयला। हाँ, तो भाई तो दिखा, आज आप लोग देखेंगे इतना सोना कहाँ से है लोगों के पास, तो आज बिल्कुल आप देखिए। तो अम्मी से बर्दाश्त हुआ नहीं, अम्मी आ ही गए ऊपर, है ना अम्मी? हाँ, सही बात है ना, फिर तुम लोग इतना हल्लू हल्लू करेंगे, मैं जाऊंगी तो ही फास्ट काम होगा। हाँ, देखो आके अम्मी ने यहाँ पे ढाक दिए, बोले मेरे बर्तन गंदे नहीं करना तुम लोग, नहीं तो तुम्हारे काम के चक्कर में मेरी चीजें होगी खराब। मेरी चीजें क्यों खराब करना, मैं अपना भाई देख, सोने को नुकसान नहीं होगा। देखो गिरा और नहीं, मुझे ज्यादा सोना देखना, पूरे थर्माकोल ही निकाल। थर्माकोल अभी ना, थर्माकोल निकालने के बाद ना बस तो भपका आने वाला। थर्माकोल टेढ़ा मत कर, थर्माकोल पे सोने रहने चाहिए। ना छूना है चाहा, ये देखो सोना जागे, देखो सोना ऐसा पूरा ऊपर है मालूम, ला 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 देख रहे कितना कचरा निकल रहा, बाप बाप। अम्मी ये घर की बहुत पहले ही साफ सफाई हो जानी चाहिए थी, ये चेंज कराने का भी बोलते रहा एक मकसद है, मेरी रातों की नींद हो चुकी थी खराब। ऊपर ना एक्चुअली था दीवार पे खड्डा, जहां से चूहे लोग ने बहुत सारी एंट्री मारे, और पूरे थर्माकोल पे ना चूहे की लेंडिया भर दिए, जिससे रात में ना धड़ धड़ करके आवाज आती थी, मेरी नींद होती थी खराब। तो एक रीजन ये भी था, मैंने बोला था अम्मी ये चेंज करो, रातों में ना अचानक ऐसा डरा के उठाते हो लोग, भागते ना ऐसा लगता है ट्रेन चल रही है अपने बाजू से, और वो नींद टूट जाती थी। किस किस के घर में जीना हराम हुआ जरा बताना। हाँ। मैं तो इतनी परेशान हुई, इतनी घृणा आती है ना सच्ची में, लेकिन फिर भी चूहों के जैसे नीचे देखो, नूर परेशान हो गई थी, दो दो कचरा, ये देखो एक थर्माकोल पे देखो कितना कचरा है, तो सोचो ये पूरे ऊपर क्या हाल होगा। ये रही वो सोने की खान, देख रहे अम्मी ये तुम ऊपर जाके भी पकाते थे क्या कुछ? हाँ, ऐसा लग रहा है कुछ जला हुआ है। अरे बाप रे, ये सही है इसका हाल, देख रहे बाप रे बाप, बहुत गंदगी मची है। ये हमारा सबसे पुराना कलर, ये देखो पीला पीला, भाई लास्ट टाइम भी अपुन ने किए थे ना ये जुगाड़, लास्ट टाइम पे हमने कलर भी खुद ही मारे थे, और ये थर्माकोल भी भाई ने जुनेद लोग के साथ मिलके लगा था, याद है? जुनेद को मिस कर रहा हूँ मैं आज। हाँ जुनेद गिरा, और अब भी पता है पहले अपुन ने इंक्वायरी किए थे इसका खर्चा कितना जाएगा निकालो ये वो, फिर बाद में हम लोग ने किए भाई एकदम सस्ते में, और फिर इसका पैसे की ना जाके हम लोग ने किए थे पार्टी, याद है? 16,000 के 18,000 कुछ बोला था। हाँ, और हम लोग ने 5,500 में पूरा काम कम्प्लीट कर दिया था, 5,500 में बच्चे लोगों ने खुद खड़े लेके करे थे, और बाकी पैसा बचा था ना जाके पार्टी, नहीं 3,500 की पार्टी की हम लोग ने ढाबे में जाके। तरफराज भाई ये है लाइट, ऊपर से मारने का था, और हम लोग ने जब सीलिंग बना दी था तब दिमाग में आया तो सीलिंग लाइट भी लगा सकते भाई, तो अभी अपन दो लाइट लगा सकते, चार लगा सकते, तो मम्मी मंगाई क्योंकि लास्ट टाइम पे लाना, लगाने के बाद अफसोस हुआ था कि यार दो लगाना चाहिए था, है ना?
तीन मार दे, एक बीच में एक उधर एक इधर। क्यों काम बना रहा बच्चे का? नहीं भाई 10 मिनट में कर देगा ये। हाँ भाई मस्त एकदम। तो ये वाली लाइट लेके आ जाएगा, मैंने टाइम पे लगाया था यार। तो फिर तो अभी जाके ना नीचे टाइम मिलेगा ना, तो तीन थर्माकोल ले जाना और तीनों में अपना ये काम कर देना, क्योंकि अपने को लास्ट में होगा ये, लास्ट में होगी ना लाइट का काम, तो लास्ट में होगा। थर्माकोल चिपका नहीं देना अभी, नहीं तो निकाल के आराम से कटिंग करके लगा के वापस छोड़ देना। हाँ तो तेरा तो वो कम्प्लीट चिपका के लाइट भाई। सोना 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 ए बाबा सोना छोड़, मेरी एसी को ढाक। अच्छा असली सोना यहाँ आज ये 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 आधा सोना मेरे बाल में, आराम से करो भाई। तो ये हमारे कलर मारने वाले भाई, पहले भी आया है हमारे वीडियो में नीचे कलर मारते हैं, अपने घर का कलर नीचे के घर का कलर मार। ये छोटा सा इंसान है, छोटी सी जान है, किधर भी घुस जाता आराम से। हाँ ये बेनिफिट है। आज स्पेशली हमने इनको इसीलिए बुलाया ताकि वो जो कोनो कोनो में है खड्डे ना, हाँ, वहाँ पे जाके ये नहीं घुस सकते। हाँ तगड़ा इंसान लेकिन ना आप लोग का ना एक कमेंट हो गया इधर पे, मैंने ना एक खड्डा दी था, मैं बोले थे उधर पे ना भर देना, और ना कब से हम लोग को लग रहा था कि ये ग्लू की वजह से आए ना, तो वो भी मैंने ग्लू से भरा था, तो जिसकी वजह से ना ऐसा लग रहा था कि चूहे वहीं से आ रहे और वो खड्डा वापस भरना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ये बाजू में जब काम हुआ था ना, हमें टाकी का छत पे टाकी लगाए थे, तो वहां से ना सीमेंट लगाए थे, वहाँ वहाँ से आ रहे चूहे, चूहे आ रहे हैं वहाँ से। ओके एंगल के ऊपर जगह है, जो होल मैंने बंद किया वो आज तक बंद है, वो नहीं खुला है। एंगल के ऊपर जगह है ना, उधर से चूहे आ रहे एंगल के ऊपर, तो मेन वही आज उसको बंद करना है। भाई ये क्या बना रहे तुम? टोपी है, पुट्टी है। क्या बोले? चिकन पुट्टी। ये क्या लगाई है? गड्ढे में भरने का। अच्छा, जहाँ से चूहे आते हैं उनका रास्ता बंद करने का आइडिया ये। और भाई ये जो छत में से पानी आता है इधर से, जो मैंने बोला उधर व्हाइट सीमेंट लगेगा। चलो ठीक है, तो भाई ये खड्डे जरा अच्छे से देख के पूरे बंद कर देना, नहीं तो फिर ये अपना काम करके कुछ मतलब नहीं होगा अगर चूहे वापस आ गए तो थोड़ा चार जगह नजर मारना और फिर ये लगा देना। हाँ ओके। अगर ना ऐसा हो गया था माहौल ना कि घर में कोई नया मेहमान आएंगे और उसको यहाँ पर बोलेंगे रात में रुक जा, तो वो डर के भाग जाएगा। सही में मैं खुद गहरी नींद में रहता और वो धर 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 थोड़ा आवाज आती ना, वाट लग जाती है मेरी। मैं कहानी सुना था लोगों, हम लोग के ना एक बैंड्रा कैफे में ना, जब हम लोग कॉफी शॉप में काम करते थे ना जिसमें, तो ना बहुत अफवाह थी, बोले बैंड्रा के कैफे में भूत है। अच्छा, तो रात में नहीं रुकता उधर पे ना, रात में भले से बंदे को काम करते करते 3 बज जाए, ट्रेन बंद हो जाए, बंदा कैसा ना कैसा निकल के घर चले जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं रात में। तो ना हम लोग 2 जन थे, रिजवान और मैं, तो शरत लगाया, बोले रुकेगा रात में? बोले तू रुकेगा? बोले हाँ। और मेरे को पहले से भूत से डर नहीं लगता, आज तक ही नहीं लगता है। बोले अगर बात मेरे को डर नहीं लगता मैं तो रुकेगा। और उस दिन हम लोग रुके ना, तो ना पहला सीन क्या होता है, मालूम इसी आवाज आती है, रिजवान मेरे को देखता है, मैं रिजवान को देखता हूँ, तो कुछ सुना? हाँ मैं भी सुना। बोले है रे इधर पे कुछ, तो बोले चलते बाहर। बोला नहीं नहीं रुक दे। फिर सोए थोड़ी देर में, फिर धड़ 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 धड़। फिर मैं उसको बोला, बोला बे चूहे ऊपर, जो चूहे की आवाज है ना वो आ रही है। फिर थोड़ी देर के बाद है ना हॉट मशीन चालू हुई। अच्छा जो आवाज आती ना हॉट मशीन में, स्टीवर स्टीवर आ गई। फिर क्या छोड़ दिए चूहे, भागो। ये देखो, ये भाई को स्पेशली ये काम के लिए हमने यहाँ बुलाया है ना भाई। हाँ, यहाँ पे हमारा दोनों का चढ़ना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत कम जगह ऊपर। हाँ वो हम लोग ने थोड़ी थर्माकोल की सीलिंग निकाल दी, शायद इसके लिए भी जगह हो गई। वो भाई एकदम दबा के भरना, क्या जैसे चिकन के सालन में मम्मी चिकन दबा के डालते वैसा। कह रहे बहुत, ये रियाज की नई दोस्त आई है घर में, काम के बीच बीच में आ रही है। देखो यहाँ से पानी भरा है ना, तो मतलब वहाँ पे भी लगा दो व्हाइट सीमेंट लगाई है। ये बारिश का असर, वैसे तो अभी 8 महीने टेंशन है नहीं अभी भाई, कल बारिश हुई 1 घंटा। ये अभी बोलो ये कल का है, देखिए ना ये पानी दिख रहा है। अच्छा हाँ मुंबई में बारिश हो रही है ऐसा बीच बीच में। अभी कहीं तूफान आया था तो मुंबई में भी तूफान आ गया, बारिश हवा इधर आ गई, उनके गाँव में भी बारिश आ गई है, घर में पानी भर गया है। फिर तो ये नहीं बोल सकते कि अभी बारिश का महीना नहीं है, 8 महीने के बाद कराएंगे, 4 महीने के बाद कराएंगे। देखो अल्लाह को भी चैलेंज करने लग गए दुनिया वाले, है ना, कभी भी बेमौसम फिर आने लग गए हैं ना, ऊपर वाला भी गुस्सा हो गया। चलो भी लंच टाइम हो गया है, कुछ नहीं भूल रही अम्मी का। देखो लंच टाइम का टाइम दांत घसना चालू है,
हाँ तो क्या करूँ, सुबह से दादाजी से मिला नहीं है, सिर्फ काम। नींद में से आँख खुलते साथ कलर वाला सामने दिख गया, तो फिर धड़पड़ करके काम ही कर रही हूँ जब से। मुंह भी नहीं धोई अभी तक, नाश्ता पानी भी नहीं हुआ है, सिर्फ काम कर रही हूँ। अब जाके बैठी हूँ थोड़ा सा। हाँ, उनका बंदा भी गया है, खाना खाना है तो हम लोग भी खाना खा लेते हैं इसके बाद। वैसे भाई क्या क्या काम बचा है, क्या क्या काम बचा है पूछ रहा है। थर्माकोल लगाने गए, कलर और थर्माकोल बचा है, साफ सफाई, बर्तन वर्तन भी धोने का रहेगा तेरे को। क्या बोल रहे हो, क्या काम बचा है? मेरे हिसाब से ना कोई काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है अभी तक। मैं पीओपी का तुम्हारा काम हो गया, पानी जो जिससे आता है वो पानी का काम हो गया, थर्माकोल निकाल दिए, फिर ये लोखंडे ये साफ कर दिए हम लोग ने। इन लोगों का कैसा ना, अपना काम करो भाग जाओ, पूरा घर ऐसी पसारा छोड़ के, फिर औरत की अभी बताओ। अपना काम खत्म होने के बाद मैं ऐसा खड़े रह के देखूंगा, इससे अच्छा तो भाग जाओ ना। नहीं, तुम लोग से ही बर्तन धुलवाती हूँ पूरे, कितने ढेर सारे बर्तन है। बहुत जोर से लगी अभी मेरे को, मेरा भी ना अभी पेट डुक रहा है। चलो चलो जल्दी खाना, तो मेरे को भूख लगी है। जाओ जाओ नीचे जाओ, मैं आती थोड़ा बहुत पसारा हल्का करके आती हूँ। इसमें क्या है पहले पोटलों में मुझे बता दो। ऊपर के सामान है वो, लाइट लेने जो कि घर में प्लान हुआ ना कि और दो लाइट लगा देते हैं ऐसी ही हालत में। बहुत टाइम के बाद चड्डे में बाहर निकलो, लाइट लेने आया है 3 नंबर। ठीक है, तो ये थोड़ी लूप वॉर्म है, ये घर पे जाके हम लोग डिसाइड करेंगे। ऐसी वाइट वाली नहीं है ये थोड़ी लूप वॉर्म है, जैसा फोकस था ना भाई का। और यहाँ पर एकदम मस्त मस्त झूमर है यार, इधर में ना लाइट का कलेक्शन बहुत अच्छा है, खरीद सकते हैं। हाँ ये देखो ना, एकदम यहाँ पर अलग अलग किस्म के झूमर भी लगे ले। वो देखो झूमर लटक रहा है ना, ये 5,000 रुपए का, फक्त 5,000 रुपए का, और उससे सस्ता भी है यहाँ पर ये छोटा वाला। ठीक है, अच्छा है यहाँ पर कलेक्शन, अच्छा है एकदम, है ना। हाँ, इवन फैन का भी कलेक्शन है, अपने नए घर के लिए एक बार आना पड़ेगा। और यहाँ किसी को पंखे पे लटकना है तो रस्सी भी, देखो रस्सी भी अच्छी वाली है। मैं बोल रहा हूँ देखो, ऐसी पूरी पट्टी लगा सकते हैं जिसमें बल्ब है ना आगे पीछे मूव होते। ये देखो इसको बोलते हैं लूप वॉर्म, ये वाइट हल्का सर ऑफ वाइट जैसा रहता है। हाँ, इसका इफेक्ट अच्छा आता है कैमरे में। ये 2 साल की वारंटी वाला है अपना, गारंटी। हाँ हाँ वही गारंटी, एकदम गारंटी में एक्सचेंज होता है, पता है क्या? गारंटी और वारंटी में कंफ्यूज हूँ। वारंटी मतलब ये बहुत सारी प्रॉब्लम है भाई, तू भी समझा दो, तुम क्या एक्सपीरियंस बंदे ना, ये नहीं समझा पाएगा। एक दिन कस्टमर झगड़ा कर दिए, कसम से बोल रहा हूँ। मैं उसको रिप्लेस करके दे रहा हूँ। हाँ। वो बोलते भाई वारंटी में, अच्छा बना के दो, बोलते बना के दो। अरे मैं कि भाई गारंटी में, वारंटी में नहीं है। देखो जो गारंटी होता है ना उसके अंदर ना सामान रिप्लेस होकर मिलता है। हाँ। इतने टाइम के लिए अगर आपका कोई भी चीज का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको नया सामान वापस मिलेगा, ये होती है गारंटी। वारंटी मतलब अगर आपका सामान खराब हो गया ना तो उसको हम रिपेयर करके देंगे वही सेम सामान को, तो वो होती है वारंटी। अब हम लोग को 2 साल की समझ में आ गया ना, गारंटी मिल रही है। सामान वहां डाल दे वैसा। चलो ठीक है, ये मालूनी में ना क्वालिटी वाला माल है ना भाई ने लेकर आया है। भाई अपनी दुकान का एड्रेस अपने मुंह से बता दो। भवानी इलेक्ट्रिक मालवाणी, 2 नंबर ऑपोजिट रोशन रन होटल। रोशन रन होटल के बाजू में अपना जो 3 नंबर वाला मैदान है ना, एकदम उसके सामने ही है। तो लाइट वगैरह हम लोगों ने लेके आ गया, ये वाली LED, और खाना वाना भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे अब बन रहा है हम लोगों का कलर, के कौन सा कलर लगने वाला है वॉल पे। अभी बताओ या नहीं, दिखाना। ये देखे अभी चालू है काम कलर का, रुको एक मिनट बैक करके बता दो। तो भाई उसने बोला था मैं बना के दूंगा, तो बना के नहीं दिया था उसने, बना के दिया ना। फिर ये क्या बना रहे आप? ये मिला रहा हूं पूरा। अच्छा, देखो बिल्ली छोड़ के गया था तो अभी भी वहीं खेल रही हूं। अरे वही मिला, आवाज कहां से आ रही है? बाकी जो कलर डिसाइड किए थे वही बनेगा ना भाई? हां वही कलर बनेगा। हां वही, मैं ये कलर देख के बोला इतना डार्क तो अपना था नहीं। ये खाली ऊपर जो था ना बेस था ऊपर। हां मिलाएंगे तो जैसा कलर अपन देखे थे ना, हां वैसे सेम कलर हो जाएगा ना। चलो ठीक है। हाँ तो भाई क्या क्या लाओ अभी मैं बता। देख इसके लिए अपने को 2 मीटर वायर लगेगा, ये लाइट लगाने के लिए 1.5 मीटर में हो जाएगा, लेकिन 2 मीटर लेकर आएगा। हाँ 100 ब्लेड लेकर आ, ये थर्माकोल काटने के लिए, क्योंकि ये जो हम लोग का साइज है ना ऊपर बिठाने का थर्माकोल का, ये छोटा छोटा है, तो और ये थर्माकोल हमारे साइज के बड़े है, तो ये पहले कटेगा। नहीं भाई सब सेम साइज के थर्माकोल, नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ, वो तो अपन बिठा देते, लेकिन फिर भी ना कॉर्नर में ना थोड़ा छोटा हो ही जाता है, फिर वहाँ पर काट के बिठाना पड़ता है। हाँ चल ठीक है, तो उसके लिए 100 ब्लेड लगेगा। अभी देखो यहाँ पर से स्टैंड हटाने का, स्टैंड निकालने का, ये थैलिया रुके में निकाल लेता हूँ। दिमाग लगा था मैं, बोला था सामान के साथ ही हट जाएगा तो अच्छा है ना, नहीं गिर जाएगा पीछे के, पूरा कांच के सामान गिरेगा। मैं पहले काम चोरी किया लेकिन फिर बाद में समझ में आ गया, बोला फिर पहले सामान हटाओ। सवाल है भाई, हाँ हाँ हमसे कांच कहाँ रखेगा है, वहाँ जाएगा कोने में, नहीं जगह तो वहाँ वहाँ पे वो वॉल सबसे भाई सबसे लास्ट में करेगा ना वो वाली वॉल। ओके वो वाली वॉल तो यहाँ पे रख सकते हैं। हाँ जी यहाँ पे भी ठीक है, इधर लो
शॉर्ट ही नहीं ना कलर वाला का। क्या भाई इधर पे तो शॉर्ट ही नहीं लगा। हाँ वहाँ पे कलर मारना है नहीं अपने को। लेकिन भाई कैसा लग रहा है कलर, अच्छा लग गया? अलग लग गया है ना। अपन ने ये कलर का अभी तक के घर में नहीं मारे, ये ना ही ब्लू है ना ही ग्रीन है, दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन लग रहा है। ये देखो यहाँ पर प्लेट रखी हुई वही कलर। हाँ ये सेम कलर है एक प्लेट की, ठीक है नीचे वाली। हाँ एकदम मैचिंग होएगा, पक्का होएगा तेरे से होएगा पक्का। बाहुबली जय हो, बाहुबली जय हो, बाहुबली जय हो। चाय टाइम। जरा अपना मसला निकालने का, घुमा के निकालना पड़ता उसको। काम करो दो जने हो ना भाई। काम करो धारी मार तो पेंसिल पेंसिल है भाई, वो सब अपने को नहीं मालूम भाई। तुमने ये सब मंगाए ना हिसाब से मंगाया, तुम अपने हिसाब से करो, नहीं तो ना भाई ये सब हम लोग ने कलर लास्ट टाइम भी मारे थे आज भी मार देते थे। ये इतना तो अपन भी कर सकते थे। हाँ। अपन ने पैटर्न के लिए पकड़ के लाए इनको। हाँ। अब ये लकड़ा भी अपन ने लेकर आए। हाँ। वो बोल रहे ये पट्टी भी तुम मार दो तो कलर भी मैं मार देता है क्या? नहीं धैर्य नहीं करेगी वो करेगी। हाँ मैं भी बताओ कैसा लग रहा है लुक, कलर कैसा लग रहा है पहले तो वो बताओ। अच्छा मैं लोगों को भी बताता हूँ। ये देखो यहाँ से स्ट्रीट फूड जाकर के किचन से बताता हूँ, ऑलमोस्ट ये वाला कलर पूरे घर में डन हो चुका है ना भाई। ये वॉल पे भी, सामने की वॉल पे भी, और यहाँ पे बस एंगल पे चल रहा है। लेकिन अभी भी मेन वॉल बची है हमारी स्ट्रीट फूड जायका की अच्छी वाली। अम्मी कैसे लगा रहे हो? यहाँ पे हम लोग कुछ करने वाले हैं अलग सी चीज, जिसके लिए हम लोग को ना आधा घंटा गया सिर्फ वो लकड़ी ढूंढने में। अच्छा। और उसका भी 50 रुपया दे के हम लोग ने लाए है। अच्छा ये रख के। हाँ अभी रिया तुम्हारी बात नहीं सुनेगा ना तो इससे भर देना। हाँ स्ट्रीट फूड जायका पे। हाँ ऐसा वाला। अरे आराम से पटाख को। हमें बताओ ना सही लग रहा है कलर ये? अभी भी देखो लाइट सब जगह चालू नहीं है, सिर्फ दो लाइट चालू है। ये पूरी लाइट चालू होने के बाद और ये थर्माकोल लगने के बाद एक्चुअल लुक आएगा। और ये ये घड़ी ना टूट के गिर गए, मैं थर्माकोल पे रखी हुई थी ना दिखी नहीं, गिर गए। ये रियाज ऐसी करता है, मैं गिर के मैं लेके आ जाऊंगा। बोलता है ये घड़ी अच्छी लग रही है। देखो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब इतने अच्छे काम होते हैं तो कुछ ना कुछ कांच टूटना अच्छा रहता है। कांच टूटना अम्मी, कांच टूटता, कांच टूटना अच्छा रहता है। लेकर आने का ना तो तोड़ देता हूँ तब अच्छी आएगी, नहीं तो यही घड़ी मुझे अच्छी लगी थी तोड़ा। अम्मी मैं कांच लगवा देता हूँ 2000 रुपए की कांच। 5000 ले ले, रुक जा रहा कांटा, उसको लग रहा फंस जा रहा। अम्मी वही पैटर्न घड़ी का। तो भाई ने भी अपना वापस से काम चालू कर दिया, यानी कि थर्माकोल का काम किया। ये देख इतना थर्माकोल का काम भी हो चुका। अभी अभी मैं कारीगर अच्छा हूँ, इसका कॉन्टेक्ट देने का रहेगा तो जरूर दे। हाँ कारीगर बना। हाँ भाई का नंबर वो कॉन्ट्रैक्ट वाला अपन नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। यहाँ पे हमारे भाई ने भी ये वॉल पे अपनी स्ट्रीट फूड जायका की जो मेन वॉल है सिल्वर बटन गोल्ड बटन वहाँ पे कलर मारना शुरू कर दिया। तो आइए देखते हैं कौन सा कलर मारते। व्हाइट कलर ही लग रहा है। कुछ और लगेगा अगर ये दीवार, अगर आपको स्ट्रीट फूड की देखना है कल दूसरे वीडियो में देखना। कल का व्लॉग का वेट करें, जो फाइनल लुक है वो कल मिलेगा आप लोग। अभी मैं पूरा प्रॉपर पूरा क्या कुछ भी नहीं पता आपको क्या स्ट्रीट फूड जाएगा कि वॉल पे कौन सा लुक आने वाला है, और वो लुक आएगा तो अच्छा दिखेगा या नहीं दिखेगा हम लोग को खुद नहीं पता। तो हम लोग भी वेट करते हैं, आप लोग भी एक दिन वेट करो, कल आपको मिलेगा मेन लुक स्ट्रीट फूड जायका के कैसा होगा रिनोवेशन फाइनल वाला। हाँ, चलते हैं के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़। इंतजार करना ठीक है।